देश भर में 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। टीका लगवाने के बाद बच्चों का पंजीकरण भी चालू हो चुका है। हालांकि कई जिलों में वैक्सीन लगने के बाद कुछ बच्चों में वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स होने की भी खबरें सामने आई हैं, जिनमें कटनी जिला अस्पताल में भर्ती एक बच्चे का भी है। मामला उमरिया जिले के इंदवार दामोह का है, जहां पर अमर ज्योति स्कूल में लगभग 85 बच्चों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया था, जिसमें से 4 बच्चों की हालत वैक्सीन लगने के बाद गंभीर हो गई, जिन्हें इलाज के लिए परिजनों ने आनन फानन में उमरिया के इंदवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर व्यवस्था न होने के कारण 4 बच्चियों को बरही चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, जिनमें से 3 बच्चियों का इलाज बरही में जारी है, तो वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे कटनी जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया है, जहां पर डॉक्टर टीम की निगरानी में इलाज किया जा रहा है। सभी बच्चों की उम्र 16 से 17 वर्ष के बीच की बताई जा रही है। बता दें कि इस वैक्सीनेशन अभियान में लगभग 85 बच्चों को वैक्सीन भी लगाया गया था। सभी बच्चों में 4 बच्चियों को वैक्सीनेशन लगने के बाद घबराहट, चक्कर आने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल गई थी, वहाँ वैक्सीनेशन हुआ है करीब 11-11:30 बजे, और वो 5 बच्चियों को वैक्सीनेशन हुआ, 5 मतलब बेहोश हालत पे, उनको हम लोग इंदवार हॉस्पिटल ले गए, इंदवार से बरही लाए, बरही से फिर कटनी लेके आए हैं। उनकी हालत अभी तक नहीं गंभीर है, सुधर नहीं रही। कितने बजे घटना हुई है? ये 11:30 बजे की। क्या हो रहा है बच्ची को, क्या दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ दिक्कत ये है कि वो न बोल रही हैं, एकदम बेहोश है और उछीट रही हैं, जकड़न टाइप। इसका क्या कारण लगता है आपको? अब हम क्या बताएं सर कि हमको क्या कारण लगता है? नहीं, वैक्सीन लगने के बाद ऐसा हुआ है? हाँ, वैक्सीन लगने के बाद ही, वो तो बढ़िया स्वस्थ घर से गई है। यहाँ कितने लोग हैं यहाँ पर एडमिट जिला चिकित्सालय? यहाँ अभी हम 2 आई हैं, 3री बच्ची आ रही है बरही से। क्या नाम है उनका बच्चे? एक मधु द्विवेदी, एक श्रिया पटेल। क्या नाम है आपका? मेरा कामता प्रसाद पटेल। ये स्कूल गए हैं घर से? हाँ। अमर ज्योति स्कूल है जी। हाँ। उसमें ये वैक्सीन लगी हुई है। वैक्सीन लगने के बाद 11:48 में मैसेज आया है, उतनी समय से ये एक सप्ताह भर बात की है कि पापा मेरे को ले जाओ वहाँ से, स्कूल से। फिर इतने में बेहोश हो गई है वहीं से, फिर अपने गाड़ी में लाद के फिर इंदवार हॉस्पिटल ले गए हैं। हॉस्पिटल में वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, हो गया गांव देहात की हॉस्पिटल है, तो फिर बरही लेके आए हैं। बरही से यही पोजीशन वहाँ भी। कहाँ लेके आ गए? कटनी। फिर कटनी आ गए हैं, बरही से रिफर कर दिए यही पोजीशन था। कि कहाँ पास का मामला है? ये उमरिया जिले में पड़ता है, इंदवार दमोह कहलाता। कितने बच्चे थे वहाँ पे, मतलब कितने लोगों को वैक्सीन लगा है? पूरी स्कूल में अब 4 लड़कियों की यही स्थिति है, बाकी और तो लड़कियों के और लगे हैं, लड़कियों का कोई दिक्कत नहीं हुई है, बाकी और बच्चियों को दिक्कत। हाँ। कितने लोगों को मतलब दिक्कत आई है ऐसे? यही पोजीशन। अच्छा, क्या नाम? ये 3 बरही में एडमिट हैं और ये 4 है। ठीक ठीक, क्या नाम है आपका? हमारा माया जी। क्या था, कहाँ लेके आए हैं आप, क्या हुआ था बच्चे में? बच्चे को वैक्सीनेशन लगा रहे थे यार, 2 बजे करीब लगा है, और 2 के बाद फिर उसको मैंने चक्कर आने लगा, घबराहट होने लगी, और क्या कहते हैं, जकड़न होने लगी, तो बरही लेके आए। बरही से उमरिया का बल्कि स्टाफ आया था वहाँ जी, फिर बताओ, फिर वहाँ नहीं समझ पाया तो पेट की जहाँ के लिए रेफर किए। कितने साल की बच्ची? ये 17 साल। कितने बच्चे को ऐसा हुआ है? 5 बच्चियों को हुआ है। 5 जी। कहाँ गई थी और क्या हो गया उन लोगों को? ज्यादा नहीं पता नहीं है, काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। हाँ। क्या दिक्कतें आने लगी? यही झटके आ रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे थे? कितने बच्चे? कितने ऐसे बच्चे? वहीं इनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी बच्चों का इलाज जारी है। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।